कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल इन दिनों कोटा में चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं। धारीवाल कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को भारी मतों से जीत दिलवाने के लिए अपील कर रहे हैं। वहीं धारीवाल ने बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला पर करारा प्रहार करते हुए सवाल खड़े किए। धारीवाल ने कहा कि 10 साल तक सांसद रहने के बाद भी ओम बिरला जनता को विकास कार्य गिनाने से किनारा कर रहे हैं, ना ही वो जनता को कोटा बूंदी इलाके के विकास के लिए विजन बता रहे हैं। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में धारीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल लगातार कोटा बूंदी सीट पर प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और लगातार संवाद कार्यक्रम के जरिए सवाल पूछ रहे हैं। धारीवाल साहब, ये चुनाव जो स्थानीय मुद्दों पर आकर टिक गए, आपको लगता है ऐसा? ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कभी ये नहीं कहते किसी से भी कि मुझे वोट दो। वो कहते मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो। ताज्जुब की बात यह है कि उम्मीदवार को ये तो बताना चाहिए कि मैं वोट ले रहा हूँ तो किस लिए ले रहा हूँ। जनता पूछती है कि 10 साल तक क्या किया है और आगे क्या करोगे, ये तो बताओ। सबसे बड़ा मुद्दा ये आ रहा है। एयरपोर्ट और दूसरे मुद्दे आप लगातार उठा रहे हैं। सारे मुद्दे हैं, एयरपोर्ट को छोड़ो, एयरपोर्ट के अलावा भी सारे के सारे मुद्दे हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो आज भी दिखता हो कि इन 10 सालों में ये काम कर दिया हो। तो आप जो है लगातार कह रहे हैं कि 10 साल का जनता हिसाब मांग रही है। आप भी सांसद रहे 5 साल, आपने भी जो है दिल्ली में आप रहे उस दौरान कोटा में कई सारे काम हुए। तो मेरा रिकॉर्ड देख लो आप, मैंने क्या क्या किया। एनटीपीसी का कारखाना आया, चंबल फर्टिलाइजर आया, चार चार बड़ी नदियों पर, चाहे को काली सिंध हो, पार्वती हो, परवन हो, उजाड़ हो, उन पर बड़े बड़े पुल बनवाए, 50 काम करवाए। बूंदी में रेलवे लाइन नहीं थी, बूंदी से नई रेलवे लाइन जो है चित्तौड़ तक की बिछवाई, और बिछवाई नहीं उस पर रेल भी चलाई और उसका उद्घाटन भी राजीव गांधी से करवाया। कई काम किए। अब क्या माहौल देख रहे हैं आप? लगातार आप भी कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच। तो कांग्रेस जीतेगी जी, कांग्रेस की जीत का माहौल है। तो पूर्व मंत्री शांति धारीवाल लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पास बताने के लिए मुद्दे नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में है लेकिन वो जनता को ये नहीं बता रहे कि उनके काम क्या है और आगे वो क्या करने वाले हैं। अब देखना होगा 26 अप्रैल को जो मतदान होगा उसमें जनता किसके पक्ष में मतदान करती है और 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें जीत का सेहरा किसको पहनाती है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।